जिस गैंगस्टर को लेकर के पप्पू यादव ने यह कहा था कि ये 2 टके का गुंडा है, आज उसी गुंडे के गुर्गे ने पप्पू यादव को फोन किया और फोन करके सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे ने, एक गैंगस्टर ने पप्पू यादव को फोन किया। पप्पू यादव आप तमाम लोग जानते हैं बिहार के पूर्णिया से अभी सांसद हैं। पूर्व में भी वो 5 बार सांसद रह चुके हैं, 6ठी बार वो सांसद बने हैं। और इसके बाद अभी हाल ही में आप जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो है एक नेता, एक कद्दावर नेता हुआ करते थे बाबा सिद्दीकी, जो कि 3 बार विधायक, 1 बार के मंत्री रहे, उन्हें धमकी दी गई थी। उन्हें धमकी नहीं बल्कि उन्हें सीधे जान से मार दिया गया और इसकी जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। अब उस घटना के बाद पप्पू यादव ने सीधे तौर पर एक ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि क्या ये देश हिजड़ा हो गया है, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश की थी कि क्या इस देश में अब ऐसे लोग जो जेल में बंद हैं वो लोग जो है लोगों को मारने का काम करेंगे, आखिरकार सरकारी संस्थान से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अगर सरकार, अगर प्रशासन मुझे ये कहे, ये छूट दे, तो मैं 24 घंटे में इन 2 टके के जो कह सकता है गुंडे हैं उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये बड़ी बात पप्पू यादव ने कही थी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, इतना बड़ा बयान। और इसके बाद मीडिया में खूब सारी चर्चाएं शुरू हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग पप्पू यादव की तस्वीर लगाकर लिखने लगे बाघ का करेजा। लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि आज उन्हें एक कॉल आया। कथित तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि यह कॉल UAE यानी कि दुबई से जो है उन्हें आई थी। इस कॉल में पप्पू यादव बड़े नर्म लहजा में उनसे बात कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति यह कह रहा है कि आखिरकार तुम क्यों इस मामले में कूद रहे हो और क्यों इस तरह की बातें कह रहे हो। पप्पू यादव ने जवाबी बात करते हुए यह बात कही, कैसा है कि मैंने वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था। एक नेता, एक राजनेता का काम होता है कि वो अपनी जो कह सकते हैं पर्सनल लाइफ है उसे अलग रख करके वो पॉलिटिकली लिखता है, सोचता है, कहता है, और यही वजह है कि मैंने पॉलिटिकली एक ट्वीट किया। आगे क्या कुछ बातें हुई हैं आप इस वीडियो को देखिए। बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है कि कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं दुश्मनी, दुश्मनी ऊपर वाला। देखिए एक बात जानिए पप्पू, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट MP रहे हैं। और उससे मतलब आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकली, उन्हें पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, नहीं आगे तो देख लेंगे हम। नहीं नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप तो देखा आपने इस वीडियो को, आपने सुना कि किस तरह से पप्पू यादव को धमकी दी गई है। अब इस पूरे मामले के बाद पप्पू यादव ने देश के गृह मंत्री को एक लेटर लिखा, यानी कि अमित शाह को एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा मांगी है, यानी कि उन्हें जो सबसे कह सकता है बड़ी सुरक्षा है उसकी मांग उन्होंने कर दी है। उन्होंने ये जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने जो है वो पूर्व में उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, उन्हें जान से मारने की कई बार कोशिश की गई लेकिन वो बच गए। आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्हें 2015 के आसपास जो है वो जेड सिक्योरिटी मिला
लगा हुआ था, लेकिन 2019 के आसपास उनसे वो सिक्योरिटी छीन ली गई। अब एक बार फिर उन्होंने ये मांग की है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, अगर मेरे साथ कुछ होता है, अगर मेरी हत्या होती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के व्यक्ति ने क्या वाकई जो है पप्पू यादव को धमकी दी है? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश के सांसद को, जो देश के सदन का हिस्सा बनता हो, उसे इस तरह से गुंडे और मवाली धमकी देते हो? सरकारी संस्थान से जुड़े हुए लोग आखिरकार क्या कर रहे हैं? वो इंटेलिजेंस कहां है जो ये तय करती है कि कौन लोग हैं जो इस समाज में जो है वो इस तरह के मामलात अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? अब सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव की भी छानबीन की जा रही है? क्या पप्पू यादव गैंगस्टर के निशाने पर है? ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार कब तक देश में ऐसे ऐसे राजनेता को लेकर के इस तरह की खबरें सामने आएगी? जब देश के सदन का हिस्सेदार ही सीधे तौर पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों का क्या हल होगा? इसको लेकर के चिंतन करने की जरूरत है। कुछ लोग पप्पू यादव की नरमी पर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाघ का करेजा आखिरकार इतनी नरमी से क्यों बात कर रहा है। ये पप्पू यादव की एक अच्छाई भी हो सकती है कि उन्होंने बड़ी ही नरमी से बातचीत की, क्योंकि वो जानते हैं कि फोन कॉल पर बड़ी बातें कर लेने से कोई बड़ी बात नहीं होती है, बात तब होती है जब बात करने की वाकई जरूरत होती है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।